हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज की जो क्लास है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की। इसमें हम लोग अब आज समझेंगे कि जो इसकी उत्पत्ति थी, अब ईयरली वाइज अगर पूछ लेगा तो इसके बारे में हम लोग क्या बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि जो आधारशिला है, हर चीज़ की आधारशिला अपनी रखी जाती है, तो इसकी भी आधारशिला रखी गई थी। सबसे पहले आधारशिला जो रखी गई थी, कब रखी गई थी? 1889 में रखी गई थी। अब बात आती है कि ये पूछ लेगा किसने रखा था, तो याद रखे रहना, स्टैनले हाल ने रखा था। ठीक, ये हो गया, ये बात जो क्वेश्चन आता है ये क्लियर हो गया, स्टैनले हाल ने रखा था। अब बात आती है ये जो आधारशिला थी, तो कैसी आधारशिला अगर बोलेगा तो याद रखना है, औपचारिक आधारशिला थी। कैसी? औपचारिक। यहीं पे अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये वास्तविक रूप में बाद में आया, लेकिन 1900 ईस्वी में, अगर ये नहीं रहेगा तो 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान आया था। औपचारिक आधारशिला तो रख दिया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से आया नहीं था। तो आया कब? ये 1900 ईस्वी में आया। और वास्तविक रूप से कब आया ये, तो ये भी अगर पूछा जाता है तो वास्तविक रूप से ये आया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, इसी को हम लोग वास्तविक रूप बोले, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से कब आया, स्वतंत्र रूप से कब आया। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखना कि 1920 में ही हम लोग मारेंगे, और स्टैनले हाल सबसे पहले 1889 में ये लाए थे। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि स्टैनले हाल था कहाँ का, तो ये अमेरिका का था। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिकनी के तत्व में दो लोगों ने दो बातें बताई हैं। क्या बताई हैं? पहले थे हमारे जॉन एडम्स ने भी कुछ बातें बताई हैं, और यहाँ पे जॉन ड्यूबी ने भी कुछ बातें बताई है। तो जॉन एडम्स ने सीखने के कितने तत्व बताए हैं? इन्होंने दो तत्व बताए हैं। कितने तत्व? दो तत्व बताए हैं। और वहीं जब जॉन ड्यूबी हैं, उन्होंने तीन तत्व के बारे में बताया है। इन्होंने जो दो तत्व के बारे में बताया है, उसमें से अगर हम बात करें तो कौन कौन है, तो याद रखना पहला तत्व है शिक्षक। उन्होंने शिक्षक को बताया है, और दूसरा शिक्षक के बाद कौन होगा? छात्र होगा। तो छात्र के बारे में इन्होंने जो तीसरा तत्व बताया है, शिक्षक को ये भी बताया है और छात्र को ये भी बताए। जो तीसरा है उन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा है, कि जो तीसरा होता है तत्व पाठ्यक्रम होता है। तो अंतर इतना है कि जॉन एडम्स दो तत्वों की बात किए हैं, जॉन ड्यूबी तीन तत्व, और दोनों तत्व सेम है दोनों में। ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जॉन एडम्स के बारे में भी अगर पूछेगा तो कहाँ के थे? ये भी अमेरिका के ही थे। और जॉन ड्यूबी भी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये भी बात क्लियर हो गई, ये दोनों लोग अमेरिका के थे। एडम्स के बारे में एक चीज और है कि एडम्स अगर अमेरिका का था, तो अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति भी था। ये प्रथम उपराष्ट्रपति ये था जॉन एडम्स अमेरिका का, और अमेरिका का द्वितीय राष्ट्रपति भी ये बना। द्वितीय राष्ट्रपति अमेरिका का बना। शिक्षा मनोविज्ञान में अगर हमसे पूछेगा तो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रायोगिक, प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला किसने बनाया था, तो ये भी याद रखे रहना, जॉन ड्यूबी ने ही बनाया था, प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला था। और इन्होंने कब बनाया था ये, तो 1894 ईस्वी में यह बनाया था। कहाँ पे बनाया था, तो ये भी दिमाग में रखे रहना कि अमेरिका का रहने वाला था, तो ये शिकागो में बनाया था। कहाँ पे? शिकागो वही जगह है जहाँ पे विवेकानंद गए थे भाषण देने, माई ब्रदर एंड सिस्टर करके शिकागो सम्मेलन हुआ था, वही शिकागो में। शिकागो है कहाँ? तो ये अमेरिका में है। तो ये सारी चीज़ें याद रखे रहना कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला किसने बनाया था, तो जॉन ड्यूबी ने बनाया था। कब बनाया था? 1894 में। कहाँ पे? शिकागो के, अमेरिका के शिकागो में बनाया था। ठीक है ना।
अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए इन्होंने ये बात तो बता दिया, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ बात प्रथम प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं तो ये किस चीज की प्रथम प्रयोगशाला थी? तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की थी। आप शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किसका होगा तो ये भी समझ लेना कि शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन इन्होंने उसमें क्या किया था, जो शिक्षार्थी थे तो शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना, शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यह प्रयोगशाला उन्होंने बनाई थी। में आप लोग देख रहे हैं कि जितने यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं वो सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज़्यादा योगदान, अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है शिक्षा मनोविज्ञान में किस किस देश का है, तो यह भी एक बात आ गया कि अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सबसे ज़्यादा योगदान शिक्षा मनोविज्ञान में है। हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, इतनी सारी तो बातें हो गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा इसका कि थांडाइक होगा, ये जो आंसर है क्या होगा, थांडाइक होगा। अब ये थांडाइक वही है, मैंने जब आपको शाखा बताई थी कि मनोविज्ञान की 50 से अधिक शाखाएं हैं, कितना 50 से अधिक शाखाएं, उसी में एक शाखा मैंने बताया था पशु मनोविज्ञान का, किसका बताया था, पशु मनोविज्ञान का। इसी पशु मनोविज्ञान का जनक है ये, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो थांडाइक है पशु मनोविज्ञान का जनक। और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कौन है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, तो मनोविज्ञान है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगर शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है तो इसमें क्या होगा, इसमें सीखना और सिखाने का काम होगा, यानी कि सीखना और सिखाना ये दोनों काम होगा, सीखना और सिखाना। अगर सीखना और सिखाना ये होगा तो इसमें सीखना क्या होता है, हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो वो विज्ञान होता है, और अगर कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं किसी को तो वो क्या होती है, वो कला होती है। अब बात यहाँ पे एक आती है कि सीखना सिखाना अगर शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है तो सीखने और सिखाने का क्या होगा, संबंध किससे होगा, तो सीखने और सिखाने का संबंध दो चीज़ों से होगा, शिक्षण और अधिगम से होगा। किससे होगा, शिक्षण अधिगम से। अब शिक्षण अधिगम अगर हो रहा है तो शिक्षण अधिगम किसका हो रहा है, शिक्षण अधिगम यहाँ पे छात्र का होगा, किसका होगा, शिक्षण अधिगम छात्र का होगा। अगर शिक्षण अधिगम छात्र का हुआ तो यहाँ पे छात्रों को शैक्षिक परिस्थितियाँ भी दी जाएंगी, यानी कि कुछ वो शिक्षा से संबंधित कोई उसको परिस्थिति दी जाएगी कि हाँ देखते हैं कि ये लड़का इसमें कैसी काम करता है या किस तरह से व्यवहार करता है। तो शैक्षिक परिस्थिति जब उसको दी जाएगी तो वहाँ पे जो बच्चा होगा, जो बालक होगा या जो शिक्षार्थी होगा, उसके क्या होगा, उसके व्यवहार का हमें पता चलेगा और हम व्यवहार का क्या करेंगे, उसके अध्ययन कर लेंगे। देखिए एक चीज दूसरे से लिंक है, अगर व्यवहार का अध्ययन कर लिए तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम किसका होगा, छात्र का। छात्र क्या करेगा, अब उसके सामने शैक्षिक परिस्थिति रखी जाएगी और उस शैक्षिक परिस्थिति में हमने क्या पता चलेगा, बालक के व्यवहार के अध्ययन का पता चलेगा। यहाँ पे
दो बातें हम आपको और बता रहे हैं, क्या कि अगर यहाँ पे संबंध की बात हो रही है तो यहाँ पे दो चीज और समझ लीजिए कि जो संबंध होता है यह शिक्षण अधिगम से तो होता ही है, लेकिन इसका संबंध वर्तमान और भूतकाल से भी होता है, यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल यहाँ से भी संबंध होता है, लेकिन भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान के संबंध पे ये ज़्यादा फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार वर्तमान में चल रहा है, तो यह भूत की अपेक्षा किस पे? वर्तमान पे फोकस करेगा। अब वर्तमान पे किस चीज पे? तो वर्तमान की जो घटनाएं घट रही हैं उस पे फोकस करेगा। अब घटनाएं इसमें कौन सी घटना है या क्या घटना है, ये घटना क्यों हुई, सारी ये घटनाएं, इन सारी चीजों में अगर हम बात करें कि सब चीजें घटना में क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, सारी घटनाएं, आज घटना कुछ और है, कल घटना कुछ और रहेगी, तो यहाँ पे जो घटनाएं हैं, क्यों हुई ये घटनाएं, क्या हुई, कैसी ये घटना है, क्या है ये घटना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? बदल रही हैं। अगर ये बदल रही हैं तो मैं लिख दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अगर निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो इसमें कुछ चीजें होंगी जो जुड़ेंगी, यह क्या, यह क्यों और यह कैसे और कहां पर यह सारी की सारी परिवर्तन हुई, इसके बारे में बताएगा। अगर ये सारी चीजें क्या क्यों कैसे का सबका जवाब दे रहा है तो ये किस पे डिपेंड होगा, ये कार्य और उसके कारण का जवाब देगा, कार्य कारण के व्याख्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। अगर ये कार्य कारण की बात कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये हर जगह पे वैलिड होगा, इसीलिए क्या होगा, ये यह सार्वभौमिक होगा, क्या होगा, सार्वभौमिक होगा। तो ये चीजें जो मैं अभी आपको बताया, यहाँ पे मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करूँगा क्योंकि ये चीजें पूछी जाएगी। जैसे पहली चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सार्वभौमिक, दूसरा हाईलाइट कर रहा हूँ कार्य कारण, तीसरा यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ शिक्षण और अधिगम, और चौथा यहाँ पे कर रहा हूँ कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन। ये जितनी चीजें हैं, सीखने सिखाने का विज्ञान, ये जो मैं बात बताया हूँ सीखने सिखाने का विज्ञान, और ये आधारभूत विज्ञान है, सारी की सारी क्वेश्चन में पूछा गया है, कहने वाला इसमें आधे से सब चीज़ें जो इसमें कहा गया है किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। अगर यहाँ पे कोई भी कथन कोट कर देगा कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान को बोला गया है, किसने कहा, यीशु ने क्या बताया था, रूसो की बात करूं तो उसने बोला था एक बालक हो और उस बालक को हमको किसके समान समझना चाहिए, एक बुक के समान हमको उस बालक को समझना चाहिए। अब अगर बालक को एक पुस्तक के समान हम समझेंगे तो ये बताइए जो शिक्षक लोग होते हैं, जो पढ़ाते हैं टीचर लोग, वो किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पुस्तक को, तो शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए, शिक्षकों को उस पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और वह पुस्तक है कौन, वह पुस्तक है बालक। सीधा सा मतलब रूसो कहने चाह रहा है कि जो शिक्षक लोग होते हैं उन शिक्षक लोगों को बालकों का अध्ययन करना चाहिए, बालकों के बारे में जानना चाहिए। यह बात किसने कहा था तो याद रखे रहिएगा, रूसो ने कहा था। रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित है, ठीक है, प्रकृतिवादी विचारधारा, और प्रकृतिवादी विचारधारा क्या कहती है कि बालक का जो विकास हो वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इसका मतलब है कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए आप, वो सारी की सारी चीजें स्वतंत्र और प्रकृति में सीखेगा। कहाँ पे सीखेगा,
प्रकृति में वो सारी चीज। विकास की बात करें, शैक्षिक विकास का मतलब ये है कि विकास बहुत सारे इस तरह से स्टेज हैं, और यहाँ पे एक विकास होने के बाद दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से ये सारे के सारे विकास होते चले जाते हैं। तो शैक्षिक विकास जो होता है वो एक क्रमबद्ध अध्ययन है, इस तरह से क्या है वो क्रमबद्ध अध्ययन है। तो यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि शैक्षिक विकास क्या होता है, तो वह एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और यह बात बताया था स्टीफन ने, किसने बताया था, स्टीफन ने। क्रियाएं होती हैं उनका विकास, जन्मजात शक्तियों के विकास, यह विकास होता है किसका, बालक का। बालक में जन्मजात शक्ति होगी और उस जन्मजात शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। किससे होगा इस जन्मजात शक्ति का विकास, शिक्षा के जरिए होगा। शिक्षा के जरिए जन्मजात शक्ति का विकास बालक के अंदर होता है। और यह बात कहने वाले कौन थे, फ्रॉबेल थे। कौन थे, फ्रॉबेल थे। की बात करते हैं, यह जो है चलती है कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेकर चलती हुई कहाँ तक पहुँचती है, वृद्धावस्था तक यह चलती चलती जाती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं। और सीखने का हमको मिलेगा क्या, अनुभव। और अनुभव अगर मिलेगा तो हम लोग उसका वर्णन करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर उसकी कहीं ना कहीं व्याख्या करेंगे। यह बात किसने बताई थी, तो क्रो एंड क्रो ने बताई थी। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता है, सिखाने का काम करता है, सीखता रहता है। और अगर सीखेगा कोई तो अनुभव मिलेगा, अनुभव मिलेगा तो उसको किसी न किसी से वर्णन करेगा या उसके बारे में व्याख्या करेगा। यही बात क्रो एंड क्रो ने बताई थी।